धर्म नीति और संस्कृति की धरोहर से सुसज्जित यह देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस मिट्टी का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। उसी इतिहास की कुछ पन्नों से हमारी कहानी शुरू होती है। समय है आज से लगभग 500 साल पहले। भारत भूमि पर एक के बाद एक विदेशी कदम पड़ रहे थे। लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत पर, इसके वैभव पर आधिपत्य। पूरे संसार को शांति का पाठ पढ़ाने वाली यह भूमि अब निर्दयी आक्रमणों का रंगमंच बन चुकी है। लेकिन यह देश चाहे कितना भी झकझोर दिया गया हो, टूटा कभी नहीं। इस काल में भी एक प्रांत ऐसा था जिसने आक्रमणकारियों के सामने हर बलिदान देना स्वीकारा, किंतु पराधीनता नहीं। वीरता की मिसाल कायम करता यह प्रदेश राजपुताना था। लेकिन ऐसी अभूतपूर्व वीरता के बावजूद आखिर लड़ाई राजपूत टुकड़ियों और विदेशियों की भारी सेनाओं के बीच थी। इस भूमि का दमकता सूरज अस्त होता नजर आ रहा था। तभी काल और नियति के आशीर्वाद से एक अवतार ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप। जाओ, कुंवर प्रताप को लिवा लाओ। महारानी सा, बाऊजी राज तो महल में है को नहीं। वो तो कह के गए हैं कि आपकी पूजा के लिए कमल के फूल लेके आएंगे।
कमल के फूल? जी महारानी सा, बाबूजी राजे जाते समय कहकर गए थे कि विष्णु तालाब के सबसे अच्छे फूल लेकर आएंगे अपनी मासा के लिए, किंतु किंतु क्या महारानी सा, उन्हें गए हुए बहुत समय हो चुका है, वो अब तक नहीं लौटे, कहीं पूजा का समय निकल ना जाए। अगर प्रताप ने कहा है कि वो पूजा के लिए पुष्प ले आएंगे तो समझ लीजिए ये कोरे शब्द नहीं, प्रतिज्ञा है। चंद्र तरई सूरज तरई तरई सकल संसार, पर जो मुख से क्षत्रिय कहे वो कैसे तर जाए। कुंवर प्रताप सच्चे क्षत्रिय हैं, हमारी पूजा सही मुहूर्त पर और उन्हीं के लाए फूलों से ही होगी। क्यों लगेगा? भयभीत तो ये मगरमच्छ हो रहा है हमसे, देखो पानी से बाहर भी नहीं निकल रहे। परंतु बाबूजी राज, आप वहाँ गए क्यों? अब ये पुष्प यही इस सरोवर में थे तो हम क्या करते सोम? अब नीचे भी आ जाइए ना बाबूजी राज। आते हैं। कि हमें प्रताप बुलाया करिए, आप हमें अपना मित्र नहीं मानते? मित्र तो आप है बाबूजी राज, लेकिन मेवार के भाभी राजा भी तो है आप। तो क्या राजा मित्र नहीं होते? राजा भी मित्र होते हैं सोम, और हम तुम्हारे मित्र हैं। अच्छा सोम, अब हमें महल की ओर भागना होगा, ये पुष्प मासा की विशेष पूजा के लिए है। और आप जानते हो ना सोम, चाहे सूरज और चंद्र अपनी दिशा बदल दे तो मासा की पूजा का मुहूर्त कभी टल नहीं सकता। चलते हैं। बाउजीराज, सुनिए तो। रानी सा, बाउजीराज अब तक प्रताप आ चुके हैं। Oh!
रेडी खमा मासा जी उतारा कुलदीप अकबर आशीष तो सदैव आपके साथ रहता है लेकिन आपको ऐसा बनना है कि सारी प्रजा सारा देश आपको आशीर्वाद दे। तो फिर मासा आप हमें वही कथा सुनाइए ना जो हमें सबसे ज्यादा भाती है। ये सिर्फ कथा नहीं कुंवर जी, ये आपके पूर्वजों की वो परंपरा है जिसे आप आगे ले जाएंगे। जी मासा, आपसे हमारे परम प्रतापी पूर्वजों के बारे में सुनना हमें बहुत ज्यादा भाता है मासा, इसलिए हम इनकी बातें बार बार सुनना चाहते हैं। इसी उत्साह को आपको निरंतर वीरता में बदलना होगा प्रताप। आपकी रगों में रक्त तो इन महाबलियों का है लेकिन उस रक्त के इस राजवंश के योग्य भी बनना होगा। मासा, हम भी इनकी तरह वीर बनना चाहते हैं। हमारे पूर्वज बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा खुम्बा, राणा सांगा। मासा, क्या ये सब हमें अपने आशीर्वाद से अपने जैसा महाबलशाली बनाएंगे? क्यों नहीं कुंवर जी, अगर आप इनके जीवन से शिक्षा लें तो आप भी इन्हीं के समान प्रतापी बनेंगे। नींव रखी मेवाड़ की तो वो बापा कहलाए, एक उनकी हुंकार भर से थे दुश्मन थर्राए। कर दी शुरू राणा हमीर ने राणाओं की कहानी, शूरवीर और पराक्रमी थे वो महाबलिदानी। राणा कुंभा ने स्वीकारी बस एक लिंग की छाया, राजवंश ने स्वयं को कभी पराधीन न पाया। फिर आया वो महावीर जो युद्ध भूमि का सिंह था, एक हाथ और एक आंख फिर भी निश्चय का अड़िग था। देह पर खाए 80 घाव, बढ़ते रहे वो आगे, राणा सांगा के प्रताप से तीनों लोग थे काफी। प्रताप, ये सारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के वंशज होने के अधिकारी थे। आपको भी धर्म और कर्म दोनों से इनका उत्तराधिकारी बनना होगा। मासा, हम आपको वचन देते हैं ऐसा ही होगा। आइए अपने दाजे राज का भी आशीर्वाद लीजिए प्रताप। क्षत्रिय धर्म पालन की शिक्षा आपको इन्हीं के जीवन से लेनी है। प्रणाम स्वीकार करे पूजनीय दाजीराज। माता, अब तो बताइए कि दाजीराज पिछले 40 दिनों से किस लिए पूजा कर रहे हैं? पुत्र, राणा जी के मन की बात तो राणा जी ही जानते हैं लेकिन आपके दाजीराज जो करते हैं वो देश के हित के लिए होता है। राणा जी एकलिंग जी का महाकठिन व्रत कर रहे हैं प्रताप, अवश्य ही उनके मन में कोई बड़ा उद्देश्य है। उस बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने में हम भी हिस्सा लेंगे माता। किसी भी उद्देश्य में हिस्सा लेने पूर्व तुम्हें स्वयं को उस उद्देश्य हेतु योग्य बनाना होगा प्रताप। आपका पुत्र ऐतिहासिक तलवार उठाकर अभी अपनी योग्यता सिद्ध कर देगा माता। कुंवर प्रताप, रुक जाइए, इस तलवार को आप अभी नहीं उठा सकते। आप ऐसा क्यों कह रही है मासा? आपको हमने इस तलवार के बारे में इतना बताया फिर भी ये प्रश्न कुंवर जी? पर मासा, ये कोई साधारण तलवार नहीं है प्रताप, इस राजवंश का गौरव चिन्ह है। इसे उठाने वाले को नियति स्वयं चुनती है। आप यूं ही इससे नहीं खेल सकते, याद रखिए। तो क्या मासा, नियति ने हमें इस तलवार को उठाने के लिए चुना ही नहीं? अगर आप में वो सारे गुण हैं, देश प्रेम, पराक्रम, त्याग, जिनके लिए पूरा देश आपके पीछे अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाए तो प्रताप नियति इस तलवार के लिए आपका चयन करेगी। क्योंकि एक बार आपने इसे उठा लिया तो अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकते। ये तलवार एक प्रण है, एक प्रतिज्ञा है। और
ये प्रण जिस दिन आपके हृदय में इस देश की रक्षा करने का सच्चा प्रण आ जाएगा, उस दिन राम जी की कृपा से ये तलवार स्वयं आपके हाथों में आ जाएगी। दूसरा पहर हो गया है प्रताप, आपकी छोटी माँ आपको ढूंढ रही होंगी। चाहिए जो आ गया मासा। महाराज, हमारी एक लिंग जी से बस यही प्रार्थना है कि मेवाड़ की अधीनता से जो पीड़ा आपको हो रही है वो जल्द ही समाप्त हो। जो संकल्प आपने लिया है वो अवश्य पूरा हो। मृत्यु को गले लगा लेंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो क्या हुआ अगर वो 40,000 है और हम मात्र 1,000? हुकम, हम सब साका के लिए तैयार हैं, टूट पड़ेंगे उन पर। हमारा एक एक योद्धा उनके 10-10 पर भारी पड़ेगा। सभी छत्राणियां जौहर के लिए तैयार है महाराज, केवल आप आदेश दीजिए, एक एक को काट डालेंगे महाराज। आज्ञा दीजिए। समर्पण, हम आत्मसमर्पण करेंगे। ये आप क्या कह रहे हो का? राजपुताना में आत्मसमर्पण कैसे संभव है? हम मर जाएंगे, कट जाएंगे हम होकर। यही चाहता है शत्रु कि बप्पा रावल की पूरी शाखा ही समाप्त हो जाए। आप सबको क्या लगता है कि हम अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए हैं? राजपूत धर्म से अवगत हैं हम? हंसते हंसते मातृभूमि पर प्राण लुटाने की शिक्षा हमने भी प्राप्त की है, लेकिन अभी हम जो कह रहे हैं वो मेवाड़ के हित में है। मेवाड़ पर लगे अतीत के घाव अब तक भरे नहीं हैं। हमारे ईश देव एकलिंग नाथ जी ने भी संसार की भलाई के लिए हलाहल पिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। इसी तरह यह भी सत्य है कि कोई भी युद्ध केवल जोश से ही नहीं होश से भी जीता जाता है। सही समय और सही तैयारी के साथ हम अपने शत्रुओं को पराजय का मुंह अवश्य दिखाएंगे, लेकिन आज परिस्थिति अनुकूल नहीं है। चित्तौड़ के किले की ये चाबी आज भले ही शेरशाह के हाथों में दी जा रही है, लेकिन अपने परम प्रतापी पूर्वजों का वंशज मैं महाराणा उदय सिंह ये प्रण लेता हूं कि जब तक मेवाड़ की स्वतंत्रता का ये चिन्ह अपने शत्रुओं से वापस नहीं ले लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये प्रतिज्ञा है मेरी, एकलिंगनाथ महाराज की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की। पुरोहित जी, क्या एकलिंगनाथ जी चाहते हैं कि मैं अपनी धरती पर लगे कलंक को मिटा सकूं? हाँ गौ ब्राह्मण प्रतिपाल, एकलिंगनाथ जी महाराज की यही इच्छा। तो बताइए पुरोहित जी, कब है वो शुभ मुहूर्त? महाराज, कल जब आप अपने व्रत के उद्यापन के लिए यहां पधारे तब एकलिंगनाथ जी स्वयं शुभ मुहूर्त का संकेत करें।
जय हो। जय गुम। महल में जाकर सूचित कर दीजिए कि हम जल्दी वहां पर पधारने वाले हैं। जी। आज्ञा दें पुरोहित जी। रावत जी। हुकुम। एक आप ही हैं जिन पर हमें स्वयं से ज्यादा भरोसा है। सभी सामंतों तक ये सूचना पहुंचा दीजिए कि कल हम उनसे इसी स्थान पर मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे ये सूचना गुप्त है। और हां, इस बात की कानोकान खबर तो शम्स खान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो आदमी नहीं, अजगर है। ये क्या दिखा रहे हो? नाच? मुझे तो लगा था कि लड़ाई होगी। अच्छा मुझे जरा याद दिलाओ, वो कौन थे दोनों जिन्होंने गडरिये को और उसकी बकरियों को मेरे यानी शम्स खान के खेमे में आने दिया था? तुम बताओ। अच्छा छोड़ो, तुम सब बताओ बताओ। वो मवेशी सीधे उदय सिंह के किले से आए थे बाईजत हमारे खेमे में। इतनी इज्जत तो कभी तुमने मुझे भी नहीं दी। तो जायज है इस बात पे हमें गुस्सा आ गया, और अब जब गुस्सा आ ही गया तो तुम दोनों को मरना पड़ेगा। माफी चाहूंगा था, मजा ही नहीं आ रहा था। बहुत बेकार सी लड़ाई थी, और ईमान से कहिएगा मजा आपको भी नहीं आ रहा होगा। नहीं ना, मजा तो आए। जानते हैं कब? उदय सिंह के साथ जब एक एक करके उसके पूरे खानदान इन हाथों से खत्म कर। ये क्या इतनी पतली? हमारे प्रताप को गाढ़ी दाल पसंद है। ये दाल देख के तो कहेगा छोटी माँ हमसे तो ये दाल नहीं खाई जाएगी, इसे गाढ़ी कर दो। हमारे प्रताप के सामने सारी मिठाइयाँ फीकी पड़ जाती है। इस खीर में थोड़ी खंड और डाल दीजिए, फिर हमारे प्रताप को भाएगी। छोटी माता सब अच्छा तो है, आप इसे रहने दीजिए और चलिए चलकर आराम कीजिए। चलिए आप आ गए कुंवर प्रताप। आज हमने आपकी मनपसंद खीर अपने हाथों से बनाई है। छोटी माता आज आपने फिर हमारे लिए इतनी मेहनत की। हाँ रानी सा, ऐसी अवस्था में वैद्य जी ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना,
वैद्य ने हमें आराम करने के लिए कहा है, ये तो नहीं कहा ना कि हम अपने प्रिय पुत्र की चिंता करना छोड़ दें। प्रताप, आपने भले ही हमारी कोख से जन्म ना लिया हो, पर आप हमारी पहली संतान है। आइए। रानी सा, ये इमलियां ही मिली है बस, कैरियां कहीं ना मिली इस समय। कोई बात नहीं, इमली रख दो, इमली से ही काम चला लेंगे। छोटी माता, आपको कैरियां चाहिए थी, पर अब इमली है ना। छोटी माता, आपका मन कैरियां खाने को है तो आप इमली क्यों खाएंगी? आप ठहरिए, हम अभी कैरियां ले आएंगे। प्रताप, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमने तो कह दिया छोटी माता, और अब हमें शब्दों का मान तो रखना ही होगा ना। वैसे कैरियां मिलती कहाँ है? हम तो हर जगह ढूंढ के आए बाबूजी राज, हम अगर ऐसा कोई स्थान है तो महारानी सज्जा बाई जी को अवश्य पता होगा। छोटी मासा, हम पलक झपकते ही वापस आए। प्रताप, आपका भोजन। बाबूजी राज का आपके प्रति स्नेह अद्भुत है रानी सा। कुंवर प्रताप की हर बात अद्भुत है, उनके जैसा आज्ञाकारी साहसी पुत्र हर माँ का सपना है। चार, हाय, आनंद ही आ गया। कुंवर शक्ति, ये क्या किया आपने? आपने स्थान को रणभूमि समझ लिया है, हमारा सारा आचार नष्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? आपको पता है ना आपकी मासा को आचार से कितना प्रेम है। कृपया करके अपनी तलवार इन बर्नियों से दूर रखिए। माँ, आप समझ नहीं रही हैं। दाजीराज अपने 40 दिनों के व्रत के बाद महल में वापस आ रहे हैं, और हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि तलवारबाजी में हम प्रताप से कहीं अच्छे हैं। जब तक उनकी शिक्षा शुरू होगी तब तक तो हम तलवारबाजी में उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। प्रणाम मंजली मासा। चुप चुप जियो कुंवर प्रताप, कैसे हो भाई शक्ति? ठीक हूँ दादा भाई। अरे, ये आपने तलवार कैसी पकड़ रखी है? इसे यू नहीं, यू पकड़ते हैं। अच्छा, बिना शिक्षा के आपने ये भी सीख लिया? हाँ भाई शक्ति, हमने दाजीराज को अभ्यास करते समय देखा है। ये देखिए, अगर हम इसे ऐसे पकड़ते हैं तो बल ज्यादा मिलता है। ये लीजिए। अरे मंजली मासा, क्या आप हमें बता सकती हैं यहाँ पर कैरियां कहाँ मिलेगी? क्या बात है कुंवर प्रताप, आज आपको कैरी खाने की इच्छा क्यों हो रही है? नहीं मंजली मासा, हम छोटी मासा के लिए कैरियां ढूंढ रहे हैं। क्या बात है कुंवर प्रताप, आपकी छोटी मासा के मुंह से बात क्या निकल गई और आपने पूरी करने की ठान ली है ना? बताइए ना मंजली मासा, कहाँ मिलेगी कैरियां? अरे हाँ, एक वृक्ष आम का जिसपे कैरियां लगी होंगी, हमारे कक्ष से भी दिखता है। पिछली पूर्णिमा जब हम मंदिर से पूजा करके लौट रही थी तब हमारी दृष्टि उस वृक्ष पे पड़ी थी। अरे वाह, अब तक तो कैरियां आ भी चुकी होंगी। हाँ हाँ मंजली मासा, किंतु पेड़ आखिर है कहाँ? छावनी के अंदर। धन्यवाद मंजली मासा, हम अभी वहाँ जाते। अरे नहीं नहीं प्रताप, आप वहाँ नहीं जा सकते, अफगानों की छावनी में प्रवेश देना वर्जित है। आप निश्चित रहिए मंजली मासा, हम चुपचाप कुछ एक कैरिया तोड़ लेंगे। प्रताप, मैं बस पलक झपकते ही वापस आया मंजली माँ, आप चिंता ना करें।
और वैसे भी मंजिल मासा, उन्होंने तो हमसे हमारी भूमि ले ली है, तो क्या हम उनसे एक हाथ कैरी भी नहीं ले सकते? चलता हूँ मासा। बुजुर्ग, हमने उदय सिंह के हर हरकत पर नजर रखी हुई है और आप बिल्कुल फिक्र मत करें। हमें फिक्र इस बात की है कि वो घड़ी कब आएगी जब उदय सिंह हमारी शान में कोई गुस्ताखी करे और उसकी गुस्ताखी के एवज में हम खुशी खुशी एक एक करके उसके पूरे खानदान का नामो निशान बिठा देंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.